दोस्तों धरती पर जीव जंतुओं की असंख्य प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ जानवर इतने प्यारे और खूबसूरत होते हैं कि उन्हें गले लगाने का दिल चाहता है, तो वहीं इसके उलट कुछ जानवर इतने भयानक दिखते हैं कि उन्हें गले लगाना तो दूर, लोग उनके आसपास भटकने से भी कतराते हैं। लिहाजा दोस्तों आज हम आपको दुनिया के 10 ऐसे डरावने जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका हुलिया देख कर आपकी धड़कने कुछ देर के लिए थम सकती है। नंबर 10, व्हाइट शोल्डर्ड बैट। दोस्तों वैसे तो दुनिया में चमगादड़ की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन अगर व्हाइट शोल्डर्ड बैट की बात करें तो इतना डरावना लगता है कि अगर कोई इसे रात में देख ले तो उसकी हालत पतली हो सकती है। इस चमगादड़ की प्रजाति का नाम दोस्तों इसके कंधों पर पाए जाने वाले सफेद धब्बों के कारण पड़ा है। ये साउथ और सेंट्रल अमेरिकी चमगादड़ की प्रजाति है। हालांकि दोस्तों साइज में ये छोटे होते हैं, मगर इनकी आंखें बड़ी, पॉइंटेड पगनोज और नुकीले दांत होते हैं, जो इन्हें एक भयानक रूप देते हैं। हालांकि ये डरावने लग सकते हैं, लेकिन दोस्तों मनुष्यों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करते। इनके आहार में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाने वाले कीड़े और फल शामिल हैं। व्हाइट शोल्डर्ड बैट के साइज की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें नर की लंबाई 35 से 46 मिलीमीटर तक होती है, और वहीं मादा की कुल लंबाई करीब करीब 40 से 53 मिलीमीटर तक होती है। इनके फर आमतौर पर भूरे रंग के होते हैं, जबकि अंडरनीथ और फोर क्वार्टर्स पर पीला होता है। नंबर 9, मारबाउ स्टॉर्क। वैसे तो लगभग सभी पक्षी प्यारे और खूबसूरत होते हैं दोस्तों, लेकिन बदकिस्मती से मारबाउ सारस दुनिया के सबसे बदसूरत पक्षी के रूप में जाने जाते हैं। दरअसल दोस्तों इनके माथे को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने कीचड़ फेंक दी हो। इसके अलावा इनकी गर्दन पर लटकता हुआ मांस का लाल टुकड़ा इन्हें बहुत ही स्कैरी लुक देता है। यही मेन रीजन है कि ये पक्षी दोस्तों बेहद ही अजीब दिखने के साथ काफी डरावने भी लगते हैं। साइज के मामले में दोस्तों ये पक्षी लगभग 150 सेंटीमीटर तक बड़े होते हैं और 9 केजी तक इनका वजन होता है। इनके आहार में मुख्य रूप से सड़ा हुआ मांस, मछली, दीमक, टिड्डियां, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के बच्चे, सांप, चूहे और पक्षी शामिल हैं। इनकी एक बहुत ही बड़ी सीमा होती है और वे पूरे सब सहारन अफ्रीका में पाए जा सकते हैं। नंबर 8, फैंग टूथ फिश। जब ये मछली दोस्तों अपना मुंह खोलकर बड़ी होती है तो ये काफी डरावनी लगती है। इस मछली का नाम फैंग टूथ फिश इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके पास लंबे नुकीले दांत होते हैं। लेकिन दोस्तों अडल्ट मछलियां छोटी होती हैं, जिसकी लंबाई केवल 6 इंचेस होती है, यानी कि 17 सेंटीमीटर करीब। इसके दांत शरीर के आकार के अनुपात में समुद्र में सबसे बड़े होते हैं। इसके निचले नुकीले दांत इतने लंबे होते हैं कि मछली अपना मुंह पूरी तरह से बंद ही नहीं कर पाती है। गहरे समुद्र के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में फैंगटूथ मछली के लिए भोजन खोजना कठिन हो जाता है। अडल्ट फैंगटूथ मछली आक्रामक शिकारी होती है, जो आमतौर पर अपने शिकार को मुंह में लेकर चूसती है और फिर उन्हें पूरा निकल जाती है। फैंगटूथ मछली गहरे पानी की मछली है और ये फिश क्रस्टेशियन और स्क्विड खाती है। नंबर 7, टेप वॉर्म। अटपटे हुलिये वाले जीव का नाम है दोस्तों टेप वॉर्म। ये एक तरह के पैरासाइटिक वॉर्म्स होते हैं, जो चपटी शेप में होते हैं। दरअसल दोस्तों टेप वॉर्म अपने होस्ट के पाचन तंत्र में रहते हैं। अजीब दिखने वाले इन जीवों के सिर के चारों ओर हुक और सकर्स होते हैं, जो इन्हें दांतों की दीवार से जोड़ने में मदद करते हैं। इनके पास एक लंबी सेगमेंटेड बॉडी होती है और ये 20 फीट तक की लंबाई तक पहुंच सकते हैं। टेप वॉर्म्स जानवरों और लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। ये आमतौर पर संक्रमित जानवरों के कच्चे या अधपके मांस खाने से संक्रमित हो जाते हैं। टेप वॉर्म्स की वजह से सिस्टिसरकोसिस नामक संक्रमण होता है। दूषित भोजन, पानी और गंदे हाथ की वजह से ये बीमारी तेजी से फैलती है। टेप वॉर्म इन्फेक्शन के कारण ब्रेन, मसल और टिश्यूज सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। टेप वॉर्म लार्वा पाचन तंत्र को संक्रमित करते हैं और अपने होस्ट से पोषण को अवशोषित करके अडल्ट टेप वॉर्म में विकसित होते हैं। नंबर 6, पर्पल फ्रॉग। अजीबोगरीब के मामले में दोस्तों इस मेढक का कोई भी जवाब नहीं है। आम मेढक की तरह पर्पल फ्रॉग कुछ हटके है। इसे इंडियन पर्पल फ्रॉग या फिर पिग्नोज फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भारत में वेस्टर्न चैट्स में आराम से देखा जा सकता है। साल 2023 से पहले इसके अस्तित्व के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि यह अनोखा मेढक पूरी तरह से अकेला और छिपकर रहना पसंद करता है। इसका चेहरा दोस्तों काफी हद तक सुअर की नाक की तरह दिखता है। इनकी आंखें छोटी, एक लंबा स्नाउट और हार्ट स्पीड से लैस छोटे अंग प्रत्येक मेढक को अपना लगभग पूरा जीवन जमीन के नीचे बिताने में सक्षम बनाते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि पर्पल फ्रॉग पूरे साल जमीन के नीचे खामोशी से रहते हैं और मानसून में 2 से 3 हफ्ते के लिए ही बाहर निकलते हैं, और वो भी केवल ब्रीडिंग के लिए।
एडल्ट मेंढक छोटे अकशेरुकीय और मुख्य रूप से दीमक पर भोजन करते हैं। इनका वजन 165 ग्राम है, जो बेसबॉल के वजन से थोड़ा ज्यादा होता है। लगभग 7 सेंटीमीटर तक पहुंचने पर शरीर की लंबाई तुलना में इनका सिर छोटा होता है। इनका रंग दोस्तों डार्क पर्पल से ग्रेश होता है। आपको बता दें कि ये प्राचीन प्रजाति लगभग 120 मिलियन वर्षों तक जीवित रही है और इसने नए महाद्वीपों के निर्माण के साथ साथ डायनासोर के एक्सटिंक्शन को भी देखा है। नंबर 5, गोलियथ बर्ड ईटर स्पाइडर। इस मकड़ी को देखकर दोस्तों किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये सच में काफी भयानक दिखती है। गोलियथ बर्ड ईटर स्पाइडर दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ियों में से एक है। ये टेरेंटुला अपने नुकीले दांतों का इस्तेमाल शिकार में जहर को इंजेक्ट करने के लिए करते हैं। ताजुब की बात है कि ये खूंखार मकड़ी आमतौर पर छोटे पक्षियों, सांपों, छिपकलियों और मेंढक को खाने में पूरी तरह से सक्षम है। इनका रंग ब्राउन से लेकर ब्लैक होता है और इनके शरीर पर लंबे लंबे बाल भी होते हैं। कुशल शिकारी होने के साथ साथ यह मकड़ी दोस्तों काफी आक्रामक भी होती है। अगर इन्हें खतरा महसूस होता है तब ये हमला करने से पीछे नहीं हटती। परेशान करने पर ये इंसानों पर हमला कर देती है, इसलिए दोस्तों इनसे दूर रहने में ही भलाई है। इनके बारे में हम आपको एक और रोचक जानकारी देना भूल गए कि भाई गोलियथ बर्ड ईटर स्पाइडर संभावित खतरों को दूर करने के लिए जोर से हिसिंग की आवाज भी निकालती है। शोर करने के लिए ये अपने पैरों पर ब्रिसल्स का उपयोग करने में भी सक्षम है। नंबर 4, स्टार नोज्ड मोल। बेहद ही असामान्य दिखने वाला ये जीव दोस्तों किसी को भी हैरान कर सकता है। इसके पास 22 टेंटिकल वाले अल्ट्रा सेंसिटिव स्नाउट होती है, जो किसी स्टार की तरह दिखती है। बेशक दोस्तों इस जीव को दिखाई नहीं देता, मगर ये अपने शिकार को खोजने में बहुत माहिर होते हैं। स्टार नोज्ड मोल इंसेक्ट्स, वॉर्म्स और छोटी मछलियों को खाना पसंद करते हैं। ये अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल अपने परिवेश को महसूस करने, शिकार की पहचान करने और खुदाई करते समय मिट्टी को नाक में प्रवेश करने से रोकने के लिए करते हैं। वैज्ञानिकों ने इनकी पहचान फास्टेस्ट ईटिंग मैमल के रूप में भी की है। इनके पंजे दोस्तों काफी लंबे और नुकीले होते हैं। ये मिट्टी को खोदने के लिए अपने सामान के पैरों पर नुकीले पंजों का इस्तेमाल करते हैं। स्टार नोज्ड मोल्स टेम्परेट फॉरेस्ट, दलदलों और घास के मैदानों की नम मिट्टी में अपना घर बनाते हैं। ये उत्तरी अमेरिका के नॉर्दर्न भागों में नम और निचले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक एडल्ट स्टार नोज्ड मोल की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है, जबकि वजन 49 ग्राम होता है। नंबर 3, ब्लैक ड्रैगन फिश। काले रंग की दोस्तों ये मछली इतनी भयानक दिखती है कि कोई भी इसको देखकर डर जाए। दरअसल दोस्तों ये ब्लैक ड्रैगन फिश एक प्रकार की बायोल्यूमिनेसेंट मछली है, जो गहरे समुद्र के पानी में रहती है। यह मछली सदर्न ट्रॉपिकल और टेम्परेट ओशंस में 2000 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। इस प्रजाति की मादाओं में नुकीले और फैंग्स की तरह दांत होते हैं। साथ ही एक लंबी बारबेल होती है, जो उनकी ठुड्डी से लटकती है। बारबेल में फोटोफोरस होता है, जो प्रकाश उत्पन्न करता है और शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए आकर्षण का काम करता है। ये मछली कुछ कुछ ईल जैसी दिखती है। नर मादाओं की तुलना में बहुत कम भयावह होती है। मादाओं की तुलना में वो बहुत छोटे होते हैं। मादाएं लंबाई में 40 सेंटीमीटर तक बढ़ती हैं, लेकिन दोस्तों नर केवल 5 सेंटीमीटर की अधिकतम लंबाई तक पहुंचते हैं। इनके दांतों की खासियत है कि ब्लैक ड्रैगन फिश के पास इनविजिबल दांत होते हैं, जो इन्हें अपने शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। ब्लैक ड्रैगन एपेक्स प्रेडेटर्स हैं और अपने आकार के 50% तक मछलियों को मार सकते हैं। बेहद ही खूंखार दिखने वाली ये मछली मरीन इनवर्टिब्रेट्स, अल्गाय, इंसेक्ट्स, श्रिम्प्स, स्क्विड्स और लार्वा पर फीड करती है। ब्लैक ड्रैगन फिश के बारे में एक और हैरान करने वाली बात यह भी है कि ये मछली जहरीली भी होती है। इसका जहर दोस्तों इतना शक्तिशाली होता है कि ये अधिकांश अन्य समुद्री जानवरों और मनुष्यों को भी प्रभावित कर सकता है। नंबर 2, लॉबस्टर मॉथ कैटरपिलर। लॉबस्टर मॉथ कैटरपिलर का अपीयरेंस दोस्तों काफी स्ट्रेंज है। इसका नाम इस तथ्य से लिया गया है कि इसका बढ़ा हुआ पेट एक लॉबस्टर टेल जैसा दिखता है। लॉबस्टर मॉथ कैटरपिलर हार्मलेस होते हैं और संभावित शिकारियों से छिपाने या भ्रमित करने के कारण एक रक्षा तंत्र के रूप में छलावरण पर भरोसा करते हैं। जब इन्हें धमकी दी जाती है तो ये एक खतरनाक मुद्रा पर प्रहार करते हैं, जो अन्य जानवरों को एक जहरीली मकड़ी या दूसरे संभावित घातक कीट के साथ भ्रमित करने के लिए बरगलाती है। पहले चरण में कैटरपिलर पूरी तरह से दोस्तों अपने स्वयं के अंडों के खोल पर फीड करता है। यह उत्तर पूर्वी हिमालय, श्रीलंका, सेंट्रल एंड फिलीपींस, सुलावेसी और सदर्न मॉलुकास में पाए जाते हैं। नंबर 1,
ज्वाइंट डीप सी आई सपोर्ट। इस लिस्ट में दोस्तों हमने ज्वाइंट डीप सी आई सपोर्ट को नंबर वन पे रखा है क्योंकि इनके पास एक टफ खंडित एक्सोस्केलेटन और 7 जोड़ी पैर है जो इन्हें एलियन जैसा रूप देते हैं। विशाल का आई सपोर्ट दोस्तों खुद को शिकारियों से बचाने के लिए एक गेंद में कर्ल कर सकते हैं। ये पानी के नीचे मैला ढोने वाले समुद्र तल पर रहते हैं और व्हेल, मछली व स्क्विड जैसे मृत जीवों को खाते हैं। ज्वाइंट आई सपोर्ट भोजन के बिना लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम है। ज्वाइंट डीप सी आई सपोर्ट 16 इंचेस यानी कि 40 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। इसका बड़ा आकार इसे गहरे समुद्र में विशालता का उदाहरण बनाता है। हम आपको बता दें कि गहरे समुद्र में नेविगेट करने के लिए इनके पास सेंसरी एडेप्टेशंस होते हैं। इनके पास दोस्तों बहुत लंबा एंटीना होता है जो इनके शरीर की लंबाई का लगभग आधा है। ये एक बड़े संवेदी अंग है और इनके जरिए विशालकाय आई सपोर्ट अपना रास्ता महसूस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कौन सी वीडियो क्लिप सबसे अच्छी लगी हाँ कमेंट कीजिए, बताइए। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करना है, राइट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। सो प्लीज डू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।